हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो यहां पर जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम 2020 टायर वन का यहां पर रिजल्ट आउट हो गया है जेई सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेड जो है उनके लिए जो रिटर्न एग्जाम हुआ था टायर वन उनका रिजल्ट आउट हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं ऑफिशियली अपलोड कर दिया गया है रिजल्ट को तो सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा वहां पे आपको फ्लैश करता हुआ मिलेगा वर्ड्स न्यू में तो चलिए मूव करते हैं सो नाउ आई एम हेयर एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टाफ सेलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्ट स्क्रॉल डाउन हेयर एंड आफ्टर दैट यू विल सी जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटिव सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट दो 2020 बीस डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ पेपर वन शॉर्टलिस्टिंग जो कैंडिडेट हैं अपेयरिंग किया है जिन्होंने पार्ट पेपर के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तो वो यहाँ पे पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा मैं आपके सामने डाउनलोड कर रही हूँ यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टाफ सेलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंटल जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ़ पेपर वन फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग पेपर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका जो यहाँ पर पेपर वन हुआ था वो हुआ था 22 से 24 मार्च के लिए बाईस और चौबीस मार्च के को दो हज़ार इक्कीस एट वेरियस सेंटर थे ऑल ओवर द कंट्री रिप्रेजेंटेटिव रिसिव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट अगेंस्ट देंटेटिव आंसर की यहाँ पर हैव बीन केयरफुली एग्जामिन की गई आंसर की हैव बिन मॉडिफाइड वेर एवर नेरी द मॉडिफाइड आंसर की हैव बीन यूज फॉर द एवेलुएशन के लिए यूज की जाती है आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी ये देख लीजिए कट ऑफ क्या रही सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एस सी की कट ऑफ यहाँ पे नाइनटी नाइन पॉइंट वन फाइव सिक्स फोर एट एस टी की नाइनटी नाइन पॉइंट फोर एट दोनों सेम गई हैं एस के कैंडिडेट छः सौ चौसठ है और एस के तीन सौ उनसठ ओबीसी की एक सौ चौदह यूआर एक सौ आठ की एक सौ बीस ओएच की उनासी और एचएच एच की यहाँ पर फोर्टी एट टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे तीन हजार आठ सौ छब्बीस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं छप्पन एस के हैं तीस एस के हैं सात सौ चौवालीस ओ बी सी दो सौ चार ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट क्वालिफाइंग एट आर कट ऑफ है लिया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एस 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 सी के यहाँ पर एक सौ तेईस पॉइंट टू थ्री वन फोर नाइन एस टी एक सौ पंद्रह ओ बी सी एक सौ सैंतीस ई डब्ल्यू एस एक सौ इकतीस यू आर की यहाँ पर एक सौ इकतालीस है और ओ OH एच की 99 नाइन एच एच की एक हजार आठ सौ पिचासी यहाँ पर उनतीस एस के दो एस टी तीन सौ नब्बे ओ बी सी और चौरासी ई डब्बू एस के कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाइंग है एट यू आर की कट ऑफ अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज यहाँ पर द शेड्यूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर टू ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन दो विल बी अवेलेबल कर दिया जाएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन की वेबसाइट पर जल्दी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में विजिट वेबसाइट पे जा सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए फाइनल आंसर की आपकी अपलोड की जाएगी वेबसाइट की कमीशन की वेबसाइट पर सात सात दो हजार इक्कीस सात जुलाई को ठीक है और एक मंथ तक रहेगी तो मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट के यहां पर मार्क्स भी डाले जाएंगे तारीख को जुलाई को कैंडिडेट में चेक कर सकते हैं दस से इकतीस तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन और आई पासवर्ड डाल के तो ये कट ऑफ का क्रिटेरिया है और आप यहाँ पे दस तारीख को अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे दस से इकतीस तारीख तक ये लिंक अवेलेबल हो जाएगा फिर आप रजिस्ट्रेशन

फॉर यू आर के लिए ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब फिफ्टी मार्क्स यहाँ पे ओ बी सी के लिए और ई डब्ल्यू एस मतलब ट्वेंटी परसेंट फोर्टी मार्क्स फॉर ऑल अदर कैटेगरीज ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के लिए थे फिफ्टी मार्क्स लेने चालीस नंबर लेने थे बाकी अदर एस सी एस टी कैटेगरीज को ओ एच पी एच को और यू आर के लिए यहाँ पर सिक्सटी मार्क्स लेने थे सो थैंक यू